इस तरह जी साडा प्रोक्योरमेंट का जिहड़ा हुण अपना सीजन चल रहा हैगा उहदे विच अमृतसर च तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन साडी कणक जिहड़ी है आउंदी है और अपनी 70 के करीब नोटिफाइड मंडियां ने जिथे माल आउंदा और उहदे चों 10 तो लैके 15 मंडियां जिहड़ियां वड्डियां मंडियां है उत्थे माल आउंदा। पिछले दिनों 2-3 चीज़ों पर सानू इशू आ रहा है। एक तो मौसम लगातार खराब है, बारिश हो रही है, उदे करके एक बड़ा वड्डा चैलेंज है क्योंकि फसल जिहड़ी है गिल्ली होने करके उहदी परचेज मुश्किल आ रही सी। दूसरा बारदाना जिहड़ा है वह इस वेले साडे लई बारदाना घट है और असी सरकार ने यूज्ड बारदाना आढ़तियां नूं अलाउ कीता कि 41 रुपए पुछो यूज्ड बारदाना बी क्लास वरत लैण, लेकिन देखन च आया है कि जिहड़ा यूज बारदाना हैगा वह भी प्रॉपर सानू अवेलेबल नहीं है। कुछ एक आढ़ती सभा उन्होंने अज असी सवेरे अपनी जी रेगुलर असी हर रोज़ सवेरे 10 बजे मीटिंग करते हैं, अज उन्होंने भी आढ़ती सभा बुलाया सी। असी सारिया ने बैठ के विचार वटांदरा किया कि बी क्लास बारदाना सानू कितों अवेलेबल हो सकता है, किहड़े आढ़ती सभा कोल जे कोई किसी सोर्स की इनफॉर्मेशन है तो वह सारी गलबात सांझी कीती है और उन्होंने यही असी कहा कि आने वाले जोड़े 10 दिन ने वह प्रोक्योरमेंट लिए बड़े इंपोर्टेंट ने, सो आप रल के बारदाने का इंतजाम करिए। साढ़े को जोड़ा बारदाना है तकरीबन 15,000 बारदाना साढ़े को इस वेले अवेलेबल है, लेकिन मंडिया कुछ इंस्पैक्टर साहबान ने वो बारदाना हौली हौली रिलीज़ कर बजाय कई आड़तियों पहला देता है और वो होया कि है कुछ आड़ती जिन्हों को अजे आमद घट है उन्होंने को बारदाना पिया है वो मैं अपने DM साहबान को कहा भी इनू बिल्कुल रैशनलाइज करो और जिथे जिन्ना माल हैगा है उस बारदाने नू उहदे मुताबक यूज़ करो और प्लास्टिक बारदाना जिहड़ा हैगा उहदा भी असी रीसाइकल कर रहे हैं, जिथे साइलो च भेज रहे हैं तो उत्थे खाली करा के वापस बारदाना मंगा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग के बारदाने की किल्लत नू असी घट तो घट जिहड़ा है मतलब कि परेशानी आउंदी है। सो उम्मीद है अज साडी मीटिंग तो बाद असी बी क्लास बारदाना होर परचेज कर पावांगे और जिहड़े इन्हां दे डाउट सीगे आरती साहबान दे कि सानूं पेमेंट कदों होएगी, इह ना हो जी असी बारदाना अरेंज कर लईए बाद पेमेंट ना होवे, वह सारियां चीज़ां उन्हां दे खदशे दूर कीते ने। और कुछ आरती साहबान ने दस्या कि साडे जिहड़े सीगे अपना इंस्पैक्टर्स वो उन्होंने जोड़ा है परचेज नहीं पा रहे या कुछ प्रॉब्लम कर रहे, उन्होंने कुछ स्पैसीफिक इंस्पैक्टर्स के ना दसे सी, उन्होंने मैं आप निजी तौर पर जोड़ा है कॉग्निजेंस ली है और सारे SDM भी बुलाए से और उन्होंने कहा है कि भी आप परसनली विजिट करके देखन के भी कोई इंस्पैक्टर किसी नूं थले किसी किस्म की कोई अनचाही परेशानी ना दे। इस वे तकरीबन साढ़े को 90,000 मीट्रिक टन की जी है ना जी सा परचेज हो चुकी है और 1,00,000 मैं लगता 10,000 मीट्रिक टन के लागे छागे आई हैगी है और पेमेंट भी साड़ी जी 4% पेमेंट मेरे ख्याल हो गई हैगी है, अमाउंट मेरे को एग्जैक्ट नहीं है इस वेले, लेकिन असी हौली हौली जोड़ा है जिस तरह प्रोक्योरमेंट हो जाएगी पेमेंट तो नाल ही वन लिफ्टिंग की भी इशू थोड़ा जहा बारदाने ही रिलेटेड है कि जिनी छेती बारदाना भरया जाएगा उन्नी छेती लिफ्टिंग हो जाएगी। सो वंस बारदाने का साड़ा अरेंजमेंट हो जाता है तो यह भी सारिया प्रॉब्लम असी नालों नाल हल कर लाँगे। सर एक मौसम की मार पै गई 12% की नमी तो बस खरीद नहीं हो रही तो हूँ बारदाना है नहीं पानी देखो वो मैं ऑलरेडी क्या है ये ड्यूटी बनती है आढ़ती सबान की एज अ लसेंसी के साड़ियाँ जिन्हिया भी ढेरिया बहर ने उन्होंने उत्ते प्रॉपर तरपाला पाउन, लेकिन ये वेखन चाहिए भी कई थावां ते तरपाला फटिया ने, यह जिम्मेवारी साड़ी मैं DMO साहबान नूं मार्केट कमेटी के सैकटरीज नूं कहा भी ये इंश्योर करो कि प्रॉपर पहला तो जिहड़ा माल शैडा के थले है वह अजे भी सुका है, कली यह वेख के कि भी बारिश हो गई है तो हूँ सारा ही माल गिला जी तो 2 दिन परचेज बंद कर दिए। मैं क्या बिल्कुल नहीं ये करना, आप मंडी च जाओ देखो जिहड़ी सुक्की ढेरी है उहदी परचेज पाओ, जिहड़ी गिली हैगी है उहदे लई तुसीं 1-2 दिन रुकना तो देख लो, लेकिन कुछ माल शैडां थले भी पिया हैगा उहनूं अज असीं परचेज कर सकते हैं। सो कई बार इत्थे बैठे हैं ये मन बना लेना लो जी ये परचेज नहीं पाउणी अज बारिश हुई है, बारिश हुई जरूर है लेकिन माल जिहड़ा शैडां थले वो प्रोटैक्टिड हैगा सुक्का है उहनूं तो असीं परचेज कर ही सकते हैं। सो अज बड़ियां क्लीयर कट मैं डायरैक्शन अपने ऑफिसर्स नूं भी दित्तियां ने, आड़ती सामान नूं भी सुणिया उन्हां दी मुश्किलां दा जिहड़ा हल कीता हैगा, अपने मैं SDM भी सारे बुलाए से उन्होंने जो अहम 2-3 मंडियां है वो परसनली विजिट करने लिए क्या है।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ 8-10 ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ